तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने सीपीएम निकाल लिया था, क्रिटिकल पाथ निकाल लिया था, उसके बाद हमें ईएस, एलएस, ईएफ, एलएफ भी निकालना पड़ेगा ताकि हम स्लैक निकाल सकें। उसके लिए पहले हम ई एंड एल के लिए नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। ई हमारा डिनोट करता है अर्लीस्ट एंड एल फॉर लेटेस्ट, एस एंड एफ डिनोट्स फॉर स्टार्ट एंड फिनिश। ओके, तो पहले हम ई ई फाइंड करेंगे सबके लिए। ई के लिए हम जी स्टार्टिंग राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट फॉर ई। और जो भी हमारा जब भी हमारा ऐसा कुछ आएगा कि दो लाइंस मिल रही हैं, जैसे यहाँ दो लाइंस मिल रही हैं, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू देगा उसको हम ई कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम पहले ई जीरो से स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो में हमने ऐड एट ऐड करना है, तो एट ऐड कर दिया जो टाइम है हमारी, ई इक्वल टू एट। फिर हम टू से थ्री के चलो तरफ चलेंगे, इक्वल टू एट प्लस ट्वेल्व इक्वल टू हियर 20। ओके, फिर 20 और प्लस टू इक्वल टू 22, 22 प्लस टू यार कमिंग, यहाँ पे दो 22 आ रहे हैं प्लस, लेकिन एक और लाइन आ रही है ये 3 to 5 वाली जो एक्टिविटी ई शो कर रही है, इसके टोटल टाइम है 8। 20 प्लस 8 गिव्स 28। सो यहाँ पे हमें दो ई की वैल्यू मिली 22 एंड 28, लेकिन हम सिलेक्ट मैक्सिमम वाला करेंगे, ई इक्वल टू 28। ओके, तो 28 प्लस 3 31 एंड 8 प्लस 4 12। यहाँ भी हमें ई की दो वैल्यू मिली 31 एंड 12, लेकिन हम मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, तो इक्वल टू 31। तो इक्वल टू 31, 31 प्लस एच टू है, 31 प्लस 2 33 एंड यहाँ 28 प्लस 2 30, तो हमें दो वैल्यू मिली 30 एंड 33, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू 33, 33 प्लस 2 35 इक्वल टू 35। सो ई हमारा अर्लीस्ट टाइम जो था वो हमने सबके लिए निकाल लिए, अब हम लेटेस्ट निकालेंगे सबके लिए। तो हम यहाँ उल्टा चलेंगे, यहाँ पे एल इक्वल टू 35 ले लेंगे, और वापस जाते समय हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, इसमें लेफ्ट एंड जो जहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे वहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे इसमें लेटेस्ट के लिए। ठीक है, तो हमने एल इक्वल टू 35 लिया, 35 माइनस 2 33, तो एल इक्वल टू 33 माइनस 2 एल इक्वल टू 31, 33 माइनस 2 31, तो मेरे को यहाँ 31 वैल्यू मिली एक, और 31 माइनस 3 28 मिली, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी 31 और 28 में से वो हम उसको लेंगे, तो इसकी एल की वैल्यू होगी 28। ओके, अब 28 माइनस 2 26 एल इक्वल टू 26, 26 माइनस 2 24, हमें एक वैल्यू मिली 24, और यहाँ एक और लाइन वापस आ रही है इधर से ये वाली, तो हमें जाना है इसमें 28 माइनस 8 इक्वल टू 20, 24 एंड 20 में से जो मिनिमम होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे एल के लिए, तो एल इक्वल टू मेरा हो गया 20 यहाँ, एल इक्वल टू 20। ओके, अब 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 एल इक्वल टू, ये मेरे एक वैल्यू 8 आई, और 31 माइनस 4 क्योंकि ये लाइन भी यहाँ वापस आ रही है, यहाँ पे दो लाइनें कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो 31 माइनस 4 ये हो गया 27, तो 27 और 8 में से जो मिनिमम वैल्यू हम उसको सेलेक्ट करेंगे,
यहाँ एल इक्वल टू हो गया मेरा एट, एट माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो, एल इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें हमें दिख जाएगा कि जो भी सी पी एम वाले पाथ हैं, सी पी एम वाले इवेंट्स हैं, वहाँ पे एल और ई की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। ई एंड एल इक्वल टू ज़ीरो, ई एंड एल इक्वल टू ट्वेंटी, ई एंड एल इक्वल टू एट, ई एंड एल इक्वल टू ट्वेंटी एट, ई एंड एल इक्वल टू थर्टी वन, ई एंड एल इक्वल टू थर्टी थ्री, ई एंड एल इक्वल टू थर्टी फाइव। ओके, अब यहाँ पे ये जो इवेंट था ये आउट ऑफ पाथ है क्रिटिकल पाथ के, तो देख इसमें एल और ई इक्वल नहीं है, ठीक है। अब ये इनका अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश का मेरा वो बन गया नेटवर्क। सो अभी तक हमें जो भी वैल्यू ये नेटवर्क डायग्राम मैंने ई और एल का बना लिया था, अब इसके बाद हमें स्लैक वाली टेबल बनानी है जिसमें ई एस, ई एफ, एल एस और एल एफ निकालना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले सबके टाइम वैल्यूज लिख लेंगे, एट, ट्वेल्व, फोर, टू, एट, टू, थ्री, टू, 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 ठीक है। अब ई एस निकालने के लिए, ई एस एंड ई एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो जैसे ए एक्टिविटी ए है, तो हमारा जो इससे पहले वाला इवेंट होगा वन जैसे है, इसकी जो ई की वैल्यू होगी वो इसका ई एस होगा, और जैसे टू इस बी के लिए, इसका बी के लिए ई एस होगा एट, सी के लिए ई एस होगा एट, एंड डी के लिए ई एस होगा ट्वेंटी। तो हम इसको लिख लेंगे, ई ए के लिए ई एस की वैल्यू ज़ीरो, एट, एट, डी के लिए है तुम्हारा ट्वेंटी, ई के लिए ट्वेंटी, एफ के लिए, एफ के लिए है 22, जी के लिए है 28, एच के लिए 31, आई के लिए 28 और जे के लिए 33। ये दिख रहा होगा ये पार्ट में हमारे, देख लो ये जे के लिए 33, ठीक है। अब हमें अगर ई एफ निकालना है तो हम ई एस में टी को ऐड कर देंगे, तो हमारा ई एफ की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो एट प्लस जी, ज़ीरो प्लस एट, एट, एट प्लस ट्वेल्व, ट्वेंटी, एट प्लस फोर, ट्वेल्व, ट्वेंटी प्लस टू, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी प्लस एट, ट्वेंटी एट, ट्वेंटी टू प्लस टू, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी एट प्लस थ्री, थर्टी वन, थर्टी थ्री, थर्टी एंड थर्टी फाइव। इस तरीके से हम ई एस और ई एफ निकाल लिए। एल एस के लिए बस इसका उल्टा करना है, एल एस के लिए हम उल्टा चलेंगे, पहले एल की वैल्यू लिखेंगे जे के लिए, जे के लिए जो बात की इवेंट है उसकी जो एल की वैल्यू है वो उसका एल एफ होगा, तो पहले हम इसमें एल एफ लिखेंगे। तो एल एफ के लिए हम यहाँ 35 से स्टार्ट करेंगे, इसकी वैल्यू हो गई 35। फिर एच के लिए मेरी वैल्यू हो गई 33, आई के लिए 33, जी के लिए 31, 31, ई के लिए 31, फिर एफ के लिए 28 और ई के लिए 28, 28, 28, फिर डी के लिए 26, डी के लिए 26, सी के लिए 31 एंड बी के लिए 20, सी के लिए 31, बी के लिए 20 और ए के लिए 8। अब क्या करना, हमने एल एफ की वैल्यू निकाल ली, अब एल एस की वैल्यू निकालने के लिए हम एल एफ में से टी को माइनस कर देंगे ए टी को, तो हमें एल एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें इधर से इधर आना है और इसमें इधर से इधर जाना है, प्लस टी करेंगे तो ये आएगा और माइनस टी करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो एट माइनस, एट माइनस एट ज़ीरो, ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व एट, थर्टी वन माइनस फोर ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सिक्स माइनस टू ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी एट माइनस एट ट्वेंटी, ट्वेंटी एट माइनस टू
26, 31 माइनस 3 28, 33 माइनस 2 31, 33 माइनस 2 आई के लिए कितना 33 माइनस 2 31, 35 माइनस 2 33, ठीक है। ये हमारी ई एस ई एफ एल एस एल एफ की वैल्यूज मिल गई। अब क्या करना है हमें स्लैक निकालने के लिए, इक्वल टू होता है एल एफ माइनस ई एफ और एल एस माइनस ई एस, मीन्स एल एफ माइनस ई एफ मतलब ये वाला, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू लिख दो, या ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू लिख दो। 8 माइनस 8 जीरो होता है, 0 माइनस 0 जीरो होता है, 8 माइनस 8 जीरो होता है, 20 माइनस 20 जीरो होता है, 31 माइनस 27 फोर होता है, 31 माइनस 12 दिस इज 19, 27 माइनस 4 इज आल्सो 19। सिमिलरली हम सारे टेबल को इसको लिख लेंगे। तो इसमें हम चेक कर लेंगे कि स्लैक कहाँ कहाँ पे आया। तो हमें एक्टिविटी सी में स्लैक मिला है, एक्टिविटी डी में मिला है, एफ में मिला है और एच में मिला है। ये हमारी टोटल स्लैक की वैल्यू हो गई हर एक्टिविटी में। इसी यही टेबल हमें कंप्लीट करके बनाना है।